हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज से शुरू हो चुके हैं एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जामिनेशन। तो इसीलिए हम जल्दी से आपके लिए लेकर आ चुके हैं आज के यानी कि 1 सितंबर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न उत्तर, जो भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए थे उसका 100% एक्यूरेट आंसर्स के साथ हम आपको कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर इस तरह से आप आंसर्स कर कर आए हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट द काइंड ऑफ सक्सेस दैट यू आर वेटिंग फॉर, यू आर गोइंग टू अचीव दैट सक्सेस। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एंड आंसर्स पूछे गए थे एसएससी एमटीएस के 1 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जामिनेशन पेपर में। और गाइस, अगर इसमें अगर आपको लगता है कुछ मिस आउट है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा कि इसके अलावा और क्या आपसे पूछा गया था। और एक चीज और, आप लोगों में से जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए, वीडियो को पूरा देखिए और एसएससी एमटीएस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इन्फो आइलैंड। और सब्सक्राइब बटन के पास एक जो बेल आइकन गिवन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम किसी न्यू वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चंस। तो गाइज, पहला जो क्वेश्चन आपका आया था वो था यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। गाइज, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जो भी हमारे एसएससी एमटीएस के जो हमने हमारे चैनल पर वीडियो शेयर करे थे, उन्होंने अगर थरली देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर उन कैंडिडेट्स ने 100% करेक्ट दे चुका होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमने वीडियो अपलोड करा था उसमें ये क्वेश्चन हमने आपसे शेयर करा था। तो गाइज, यक्षगान जो है वो कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है। यह कला आर्ट अथवा बैलाट नाम से भी जानी जाती है। तो गाइज, आगे अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है कि वो किस नाम से जानी जाती है तो आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए, जो कि है आर्ट अथवा बैलाट। बात की जाए यक्षगान की कला की उत्पत्ति की, तो ये कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले और केरल के कासरगोड जिले में हुई थी। तो जिन्होंने भी कर्नाटक आंसर लिखा है, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बात की जाए तमिलनाडु के नृत्य की, तो गाइज हो सकता है कि आपसे अगली अगले जो क्वेश्चन अगला जो आपका एग्जाम होगा उसमें हो सकता है तमिलनाडु से रिलेटेड हो क्वेश्चन मौजूद हो। तो गाइज, तमिलनाडु का जो नृत्य होता है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह भारत में शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना, जैसे कि हम सब जानते हैं, सबसे पुराना रूप है। यह प्राचीन काल दक्षिण भारत के मंदिरों और दरबारों में चलती रही है। यह संगीत नाटक अकादमी अन्य कथक ओके संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो मान्यता प्राप्त 8 नृत्य रूप हैं उनमें है कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी और सतरिया। तो गाइस, ये सारे नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके अगले पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनकर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक भीतरगांव किस राज्य में स्थित है। तो गाइस, ये सवाल जो पूछा गया था इसमें काफी कैंडिडेट्स कंफ्यूज भी रहे थे, लेकिन उसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्योंकि होता है कभी कभी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो पढ़ लेते हैं कि तो दिमाग में रह जाता है कि कानपुर उत्तर प्रदेश क्या सेलेक्ट करे। तो गाइज, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। जो भीतर गांव है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन एक मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं, जो कि गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का, गाइज ये मंदिर जो बना हुआ है ये ईंटों का बना हुआ है, और यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तम सांचे में ढली ईंटों के कारण ही विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जो पूछा गया था वो था T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो कि विराट कोहली रहे थे, वो अब तक कितने रन बना चुके हैं। तो गाइस, पूर्व भारतीय कप्तान जो कि विराट कोहली रहे थे, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2022 के 6 मैचों में 296 रन बनाए थे। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है 296, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और इस दौरान अगर आपसे पूछा जाए कि उनकी एवरेज क्या रही थी, तो एवरेज थी 98.67। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जो आपसे पूछा गया था वो था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत के किस राज्य में नहीं हुआ है। तो गाइस, अगर आपसे ऑप्शन जो आए थे वो थे उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, और अगला था गुजरात। तो गाइस, गुजरात इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गुजरात में अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा मार्गो गोवा
नई मुंबई महाराष्ट्र में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो था अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। गाइज मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 2001 से लेकर 2011 की जनगणना की बात करें या फिर हमारे भारतीय संविधान की जो संशोधन वगैरह हैं ये कहाँ से लिए गए हैं या फिर अनुच्छेद कौन सा, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसके बारे में तो आपको रट लेना है चीज़ों को, जितने भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद रहे हैं, उनके भाग रहे हैं, किस किस चीज़ से संबंधित हैं, वो क्या मान्यता रही है, वो सारी चीजें आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड एक या दो प्रश्न तो आता ही आता है। तो बात की जाए अनुच्छेद 44 की तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हैं समान नागरिक संहिता। और अगर आसान भाषा में बताया जाए तो इसका मतलब होता है कि इस कानून से का मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कि देश में सभी धर्म समुदायों के लिए जो कानून होगा वो एक समान होगा, सारे समुदायों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत ये अनुच्छेद 44 देता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला पूछा था अनुच्छेद 139 किससे संबंधित है। तो गई संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना, आदेश देना या फिर रिट जारी करना, इसकी जो शक्ति प्रदान कर सकती है वो अनुच्छेद 139 के तहत दी गई है, जिसमें क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और उत्प्रेरणा, या उनमें से किसी की प्रकृति के रिट शामिल हैं जो कि खंड में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए मौजूद है। तो ये सारी चीज 139 अनुच्छेद में दी गई है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में वो था 15 अगस्त 1947, यानी कि जिस दिन भारत को आजादी मिली थी उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले तिरंगा झंडा किस गेट पर फहराया गया था। तो गाइज एक चीज तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको पता पड़ गई कि किसने लहराया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरी चीज कहाँ लहराया था तो वो है भारत के नई दिल्ली में, और दिल्ली में कहाँ लहराया था तो वो था लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था नील नदी किस सागर में अपना जल गिराती है। तो बात की जाएगा इस नील नदी की, तो नील नदी जो है ये संसार की सबसे लंबी नदी है। ये जो नील नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर पड़ती है। तो गाइस भूमध्य सागर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। जिसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर यानी कि 4132 मील है। अगला क्वेश्चन, कुमुदिनी लखिया शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है कथक। और बात की जाए कुमुदिनी लखिया शोभना नारायण की तो 1987 में इनको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड मिला था, 2010 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था, और 1992 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो गाइज ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात की जाए कथक नृत्य के कुछ और महान कलाकारों की, तो गाइज उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। बिरजू महाराज हुए, ये भी आपको गाइज अच्छे से याद कर लेने हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, मालविका सरकार, शोभना नारायण, शंभू महाराज, अर्चन महाराज, सितारा देवी, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी, बृंदादिन महाराज, कालका प्रसाद, चंद्रलेखा, सरस्वती सेन, गोपी कृष्ण, सुखदेव महाराज आदि। तो गाइज ये सारे नाम ध्यान में रखिएगा। ये जो नाम है ये है कथक नृत्य के कुछ महान कलाकारों के जो काफी प्रसिद्ध रहे हैं अपने नृत्य शैली के लिए। अगला सवाल जो पूछा गया था वो तो पूर्व पश्चिम गलियारा यानी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपस में किसको जोड़ता है। तो गाइज यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है NH-27। तो जो NH-27 है वो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। NH-27 असम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक आता है, यानी कि ये सारी चीजों को कनेक्ट करता हुआ आता है। और अगर इसकी लंबाई पूछी जाती है तो गाइस इसकी कुल लंबाई है 3507 किलोमीटर। और बात की जाए उत्तर दक्षिण गलियारे की,
तो गाइज उत्तर दक्षिण गलियारा, ये तो अभी हमने बताया आपको पूर्व पश्चिम गलियारा, तो हो गया आपका NH-27। अगर आपसे उत्तर दक्षिण गलियारे के बारे में पूछा जाता है तो वो है आपका NH-44, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो तो 1873 में इटली ने ब्लैक रिएक्शन तकनीक किस वैज्ञानिक के द्वारा बनाई थी। तो गाइस फर्स्ट थिंग टू नोट, 1873 में कहाँ पर, इटली में, किस वैज्ञानिक के थ्रू, तो वो है कैमिलो गोल्गी, जिन्होंने ब्लैक रिएक्शन तकनीक बनाई थी, जिसने वैज्ञानिकों को न्यूरॉन्स की संरचना को दागने और देखने दोनों में सक्षम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। तो गाइज आई एम अज्यूमिंग दैट ईच वन ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट ऑलरेडी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इट्स वेरी सिमिलर, जैसे कि हम अकाउंटेंसी में पढ़ते थे 10th 11th में जिन्होंने ऑप्ट किया रहा होगा कॉमर्स, आई एम अज्यूमिंग कि, तो जहाँ पे डेबिट का मतलब होता है कुछ चीज, मतलब अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो एक होता है लेना, एक होता है देना। तो डेबिट का अर्थ है कि आप अपने पैसे का उपयोग कर रहे हैं, आपके अकाउंट से वो निकल जाता है। क्रेडिट का मतलब है कि आपके अकाउंट में उस चीज दी जा रही है। तो क्रेडिट का अर्थ हुआ कि आप एक निश्चित समय अवधि के लिए पैसे उधार ले सकते हैं। तो डेबिट कार्ड आपके अकाउंट में मौजूदा रुपए जो हैं, अगर आप डेबिट कार्ड का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ उसी में से डिडक्ट होता रहेगा। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपको एक लिमिटेड अमाउंट दे दिया जाता है। आपके अगर अकाउंट बैलेंस में नकदी नहीं भी है तब भी आप उसका खरीदारी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस था कलियम किस तत्व का लैटिन नाम है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम, जिसके सिंबल की बात की जाए तो के। पोटेशियम परमाणु संख्या, जिसका परमाणु संख्या है 19, के साथ एक रासायनिक तत्व भी है, और पोटेशियम के रासायनिक प्रतीक जो है यानी कि सिंबल जो है वो है के। अब गाइस बात करते हैं कुछ केमिकल एलिमेंट्स की, उनके सिंबल की और उनके लैटिन नेम्स की, क्योंकि हो सकता है आपसे आगे आने वाले एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो गाइस कुछ जो इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल से हम लेकर आए हैं आपके लिए एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहले है सोडियम, जिसका सिंबल होता है Na, और साइंटिफिक नेम, ओ सॉरी, जो आपका लैटिन नेम कहलाता है वो है नेट्रियम। नेक्स्ट पोटेशियम के कैलियम, आयरन Fe फेरम, कॉपर Cu कुप्रम, सिल्वर Ag अर्जेंटम, टिन Sn स्टैनम, एंटीमनी Sb स्टीबियम, टंजस्टन W वोल्फ्राम, गोल्ड Au ऑरम, मोकरी Hg हाइड्रोग्रेम। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज लेड, दैट इज Pb, एंड द लैटिन नेम इज प्लम्बम। तो गाइज ये सारे आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी में सातवीं प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो गाइज पृथ्वी की जो पपड़ी होती है वो पृथ्वी के आयतन के 1% से भी कम पर फैली हुई है, और बात की जाए उसकी सतहों की तो उसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगा 46.6%, सिलिकॉन मिलेगा 27.77%, एल्यूमिनियम मिलेगा 8.09%, आयरन मिलेगा 5.63%, कैल्शियम आपको वहाँ पे मिलेगा 4.15%, सोडियम होगा 2.36%, मैग्नीशियम होगा 2.33%, पोटेशियम होगा 2.09%, टाइटेनियम होगा 0.565%, और हाइड्रोजन होगा 0.140%। तो गाइज ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट गाइज की कौन सी पुस्तक आयुष्मान खुराना, जो कि एक्टर हैं, भारतीय एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, उनकी है। तो गाइज आयुष्मान खुराना ने रिसेंटली एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। जैसे कि हम सब जानते हैं दैट ही वॉज नॉट एन इनसाइडर ऑफ बॉलीवुड, ही एंड हिज फैमिली वॉज नेवर देयर अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड, ही हिमसेल्फ मेड अ इम्पैक्ट, ही हिमसेल्फ मेड हिमसेल्फ अ बेटर एक्टर एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड। तो उन्होंने अपने लिए एक बुक लिखी थी जिसका नाम है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है? तो गाइस वस्तुओं और सेवाओं से ही ये काफी एक होता है ना सेल्फ बता रहा है, सेल्फ ऑब्वियस कुछ है जो कि बता रहा है इट्स रिलेटेड टू जीडीपी व्हिच मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो गाइस जीडीपी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है आपका, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस हिंदी उपन्यास के लिए दिया गया था? तो गाइज बात की जाए 2003 की, 2003 में उन्हें कितने पाकिस्तान नामक उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इसके अलावा पद्म भूषण जब उन्हें मिला था तब था 2005। तो 2005 में कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना को पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मई 2023 तक किस दो संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो गाइस दो ऐसे नाम जिन्हें 2023 तक मिल चुका है उसमें है भीमसेन जोशी पहला नाम जिन्हें 2008 में मिला था, और दूसरा है पंडित रविशंकर जो कि एक सितार वादक थे, एक संगीतकार भी थे, और उनको 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तैराकी में नहीं होता है? तो गाइस कुछ ऐसे शब्द जो कि स्विमिंग स्ट्रोक में पाए जाते हैं या फिर उसके जो मुख्य प्रकार होते हैं उसमें आता है आपका फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक और साइड स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक। इसके अलावा अगर ऑप्शन में कुछ भी आपको दिया जाता है तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। और तो गाइज आपको पेनल्टी कॉर्नर दे रखा था ऑप्शन में और एक आपको बटरफ्लाई दे रखा था, तो गाइज बटरफ्लाई स्ट्रोक तो है उसका पार्ट, तो पेनल्टी कॉर्नर इज द करेक्ट आंसर, वो उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक जी का जन्मदिन किस महीने में मनाया जाता है? तो गाइज बात की जाए हिंदू धर्म के अनुसार जो गुरु नानक जी थे वो सिख धर्म के एक संस्थापक थे और पहले सिख गुरु भी रहे थे। उनका जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो गाइज जिस महीने शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पड़ती है उसकी तिथि पड़ती है उस दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था की स्थापना कोलकाता में की गई थी? प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो गाइस मैं आपको सभी के बारे में बता देती हूँ। बात करें प्रार्थना समाज की तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ध्यान रखिएगा कहाँ की थी, मुंबई में 31 मार्च 1867 में। अगला है रामकृष्ण मिशन, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1897 में और स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, और ये हुई थी आपकी बेलूर कोलकाता में। तो क्योंकि आपसे सवाल में पूछा गया था कि कोलकाता में हुई थी तो कोलकाता वाली थी रामकृष्ण मिशन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आर्य समाज की बात की जाए तो गाइज आर्य समाज की जो स्थापना थी वो दयानंद सरस्वती ने की थी, 10 अप्रैल 1875 में की थी और गिरगांव मुंबई में की थी। इसके अलावा सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1877 में हुई थी और पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने की थी। तो गाइज सेकेंड ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट आंसर था और बाकी तीनों भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना इस संगठन की स्थापना करी थी महादेव गोविंद रानाडे ने। और पूछा जाता है अगर आपसे कब की थी तो गाइज इसकी स्थापना उन्होंने करी थी 2 अप्रैल 1870 में। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गाइज जो नदियां होती हैं उनकी सहायक नदियां होती हैं उनके अलग अलग नाम जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं क्योंकि अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देखे हैं पूछे जाते हैं। और कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सांगपो की बात करें तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र की अगर आपसे सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है तो उसकी सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, लोहित, तिस्ता और संकोश।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो पूछा गया था वो था चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी कहलाती है। तो गाइस जो चीन की आधिकारिक लैंग्वेज है दैट इज मंदारिन, जिसको पोटुंगुआ भी पोटुंगुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह से एनालिसिस लेकर आते रहे डेली और सब शिफ्ट की, तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो अबाउट इट। और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, एंड आल्सो फॉलो अस फॉर मोर सच डिटेल्ड एनालिसिस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि हाउ मच डिड दे वेंट वेल विद द एग्जामिनेशन पेपर। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।